जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राजधानी एनक्लेव के भारत भूषण कंसल द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सोमवार को पीतमपुरा सहित पूरे उत्तर पश्चिम जिला में पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। मंदिरों व धार्मिक स्थलों समेत विभिन्न स्थानों पर गुरु पूजा के कार्यक्रम हुए। इनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भागीदारी की। धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ स्कूलों में भी गुरु पूर्णिमा मनाई गई। यह खास पर्व पूर्ण भक्ति भाव के साथ मनाया गया। सोमवार को कंसल परिवार राजधानी एनक्लेव के भारत भूषण कंसल द्वारा भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन शिव मंदिर राजधानी एनक्लेव में किया गया। इस दौरान कंसल परिवार ने गुरु महिमा का बखान करते हुए गुरु पर्व की परंपरा का निर्वाह किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कंसल परिवार द्वारा सदगुरुदेव ललितांबा पीठाधीश्वर आचार्य श्री जयराम जी महाराज का गुरु पूजन कर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर गुरु पूजन में पधारे श्रद्धालुओं जिनमें महिला पुरुष व बच्चे सभी शामिल थे, उन्होंने आचार्य श्री जयराम जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई। इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन इंटरनेशनल हेल्थ सोसाइटी के सहयोग से किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आरके जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं राजधानी इनकलेव के शिव मंदिर में, जहां पे गुरु पूजन का आयोजन किया गया। यहां पे महाराज जी सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। कितना महत्व बढ़ जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन इस तरह के आयोजन करने से। सृष्टि के क्रम में जो भी मानव आता है अपने कर्तव्य को भूल जाता है, उस कर्तव्य की स्मृति दिलाते हैं सद्गुरुदेव। जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं सद्गुरुदेव। कुशब्दो अंधकारस्य रुशब्दस्य प्रकाश का। गुरु ब्रह्म को, गुरु नारायण को, गुरु सर्वोपरि श्रेष्ठ समस्त देवताओं को मिलाने का कार्य गुरुदेव का होता है। जीवन मिलित करने का कार्य करते हैं गुरुदेव। आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा कहते हैं इसे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सारे विश्व में सनातन संस्कृति के वृद्धि के लिए सारे समस्त धर्माचार्य महापुरुष गुरुदेव जगत गुरु महामंडलेश्वर मना करके और अज्ञान से ज्ञान की ओर संसार को ले जाते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन गुरु पूजा की गई वर्ष भर शिष्य को फल देती है, इसलिए आज लगभग सभी शिष्य अपने गुरुदेव का दर्शन करते हैं। सनातन धर्म के कर्मानुसार हम सब लोग सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान का अवतार मानते हैं। उसी तरह कलयुग में हमारे संत रूप में ही भगवान आते हैं। शंकरम शंकराचार्यम, शंकराचार्य ही शंकर के अवतार होकर के आए। रामानंदाचार्य भगवान राम के अवतार होकर आए। रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी के अवतार होकर आए। उसी तरह सनातन धर्म के नियमानुसार हम कलयुग में संतों के अवतार भगवत स्वरूप मानते हैं और ये हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। आशीर्वाद लिया है गुरु जी से, गुरु जी ने भी माला वगैरह पहना के इनको आशीर्वाद दिया है। नहीं, आज का दिन तो बहुत ही पवित्र दिन है और गुरु पूर्णिमा का महत्व तो हजारों हजार साल से राम राज्य जब थे तभी से चला जा रहा है कि इस दिन सब गुरुओं की हम पूजा करते हैं और सब गुरुओं का भी विशेष एक स्नेह और प्यार एवं आशीर्वाद इस दिन हमें मिलता है। तो मैं भी गुरु जी से आज यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आया हुआ हूँ और गुरु जी का आशीर्वाद पाकर मैं अपने आप को बहुत धन्य और बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लाखों लाख बधाइयाँ और धन्यवाद। ये गुरु पूर्णिमा का आयोजन है, सनातन धर्म की पद्धति है। आदिकाल से सनातन धर्म में हमारे गुरु पर्व, गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु आप बलिहारी जिन्हें दिए गोविंद मिलाए। उस पद्धति को चलते हुए सनातन धर्म का पालन करते हुए आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज ललितांबा पीठाधीश्वर आचार्य जयराम जी महाराज ने ये आयोजन रखा है। उसमें हम सब भगत शामिल हैं और हमने सब भक्तों ने यहाँ आकर के गुरु पूजन किया। भंडारे प्रसाद की व्यवस्था है, भंडारा प्रसाद लिया जा रहा है और इस टाइप के, इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो मतलब के विश्व कल्याण के लिए आयोजन किए जाते हैं। कोई व्यक्ति विशेष का इसमें कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता है, भाई
देश में शांति हो, विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर? यहाँ तो अब स्टेटों से भी लोग आए हैं, दिल्ली से भी लोग आए हैं, दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हैं, काफ़ी जगह से लोग यहाँ आए हैं और हर वर्ष आते हैं। ये क्रम काफ़ी वर्षों से लगातार चलता आया है हमारे, जब से हमने गुरु धारण किया है जब से क्रम चलता है। इतना महत्व बढ़ जाता है इस कलयुग में गुरु जी का? अगर इस कलयुग में संत और गुरुजन ना हो तो ये पुण्य और पाप को बैलेंस करना ही असंभव है, क्योंकि ये सदगुरुदेव गौशालाएँ चलाते हैं, समाज का पैसे का सदुपयोग करते हैं, विद्यालय चलाते हैं विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी अपनी फीस नहीं दे सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, भोजन नहीं कर सकते उनको करके, और ये ऐसा करते हैं कि उनको पढ़ा लिखा करके आचार्य बना करके या तो उनको सरकारी जॉब मिल जाती है वो, या कर्मकांड के विद्वान बन जाते हैं, अपना जीवन निर्वाह वो आराम से कर सकते हैं। इस टाइप से गुरु जी इस कार्य को करते हैं। जी आपने भी गुरु जी से आशीर्वाद ले लिया? ले लिया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।